हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो? खुश हो? मेरी बातों पे अमल कर रहे हो? खुश रहना। फिर से पिगमेंटेशन पे एक और वीडियो, और मेरा ख्याल है 8-10 वीडियो जो है ना पिगमेंटेशन पर ही होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो पिगमेंटेशन ही है। आजकल के दौर में जो चीजें नहीं खानी वो मैं आपको बताने लगी हूं। अचार आपने नहीं खाना, सोडा नहीं पीना, कोक पेप्सी ये वो चीजें सारी छोड़ दें, गरम मसाले वाली चीजें नहीं खानी। और जो खानी है वो आयरन जिसमें होती है, पालक खाओ, कलेजी खाओ, रेड मीट खाओ, वो आपने खानी है जिससे आपके रेड सेल्स बने और आयरन की कमी आप में पूरी हो। सनब्लॉक को अपने जिंदगी में शामिल करना है, दूध और दही का इस्तेमाल करना है, फूड जो है अच्छा खाना है, अपनी केयर करनी है, डेली रूटीन जो है वो अपनी फेस की डेली रूटीन आप अच्छे करें, फेस को क्लींस करें, वॉश करें, अच्छे से टोनर लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, सनब्लॉक लगाएं। ये चीजें आप करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाना है, और साथ साथ ये रेमेडीज करें, आपकी स्किन यंगर, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल हो जाएगी। अच्छा, आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ उसमें जो इस चीजें इस्तेमाल होंगी उसमें सबसे पहले है जी पपीता। पपीते को आप खाएं, निहार मुंह हर रोज खाएं, इससे आपका पेट भी क्लीन होगा। मैदे से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। अगर आपके मैदे में गर्मी है और अगर आपका मैदा ठीक वर्क नहीं कर रहा तो आपको दाने भी निकलते हैं, पिंपल्स भी निकलते हैं और आपको पिगमेंटेशन भी होती है। पपीते को रोज खाया करें मॉर्निंग में, आप इसको खाएं भी और लगाएं भी, ठीक है? जब छाइयों की बात होती है पपीता सबसे बेस्ट सबसे पहले आता है। जौन सी रेमेडी मैंने सबसे पहले यूज करनी शुरू की थी वो पपीते की ही रेमेडी थी, ये जो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ, ठीक है? तो आपने करना क्या, आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको चाहिए पपीता, इसको आप मैश कर लें, ठीक है? आपको चाहिए आलू, आलू को कद्दूकस कर लें, ठीक है? ये देखिए अगर थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना आलू तो ये जरा थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ये आलू को कद्दूकस करें, ये देखें ये आलू, ये कद्दूकस करके और स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लिया मैंने, ये जूस इसका। ये मसूर की दाल, रेड मसूर की जो दाल होती है ना, जब हम छोटे होते थे बचपन में किसी ने कहना कि कौन सी दाल पकाइए तो हमने कहना सुरख रेड दाल और लाल दाल पकाइए, तो मसरों की दाल, मसूर की दाल जो होती है सुरख वाली, वो वाली दाल हमें चाहिए, ठीक है? और हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। हो गया, ये सारी चीजें आप नोट कर लें, इनको आपने किस तरह यूज करना है ये मैं आपको बताती हूँ। और बाद में जो है ना साथ दही भी है, इधर से शुरू हो जाते हैं। दही, पपीता, आलू का जूस, मसूर की दाल और कोकोनट ऑयल, सही है? अब बताती हूं मैं कैसे आपने बनानी है इसकी रेमेडी। 2 चम्मच जो है ना आपने बड़े वाले 2 चम्मच वो आपने मसूर की दाल ले ली, ठीक है? भर के 2 चम्मच, थोड़ा सा कम था, 2 चम्मच मसूर की दाल, 1 चम्मच पपीते की पेस्ट, इसको फोर्क से कर लें या जिस तरह आप चाहें वैसे इसको मैश कर लें, 1 चम्मच भर के पपीता, 1 चम्मच आलू का जूस, आलू के जूस के नीचे जो वाइट वाइट स्टफ होता है वो बहुत बेस्ट होता है, उसको आपने पक्का यूज करना है। ऐसे मिक्स करें और इस तरह ये 1 चम्मच, इसको थोड़ा सा और, आलू बहुत बेस्ट होता है इसके लिए, ठीक है? थोड़ा सा और डाला मैंने, हो गया। 2 चम्मच मसूर की दाल, 1 चम्मच पपीता, 1 चम्मच आलू का जूस और खट्टा वाला दही, ठीक है? 1 चम्मच आपने भर के डाल दिया दही का, ठीक है? फिर आपको चाहिए कोकोनट ऑयल आधी चमची, ये छोटी सी पिद्दू चमची है इसलिए मैं भर के डाल रही हूँ, आधी चमची होगी, ठीक है? आधी चमची कोकोनट ऑयल, ड्राई स्किन के लिए कोकोनट ऑयल बेस्ट है,
इसको आप जो है ना इसका मसाज किया करें, बहुत अच्छा जो है ना ये आपके फेस के ऊपर इफेक्ट देता है। मिक्स करना है इन इन सब चीजों के सेपरेट सेपरेट जो है, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं वो आप जाके गूगल पे सर्च करें, आपको पता लगेगा हर एक चीज का कितना फायदा है। पपीते का, दही का, आलू का, मसूर की दाल का और कोकोनट ऑयल का स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट है। जब आप इन चीजों के फायदे पढ़ेंगे और जब ये कंबाइन होके एक चीज बनेगी तो आप देखेंगे, आप कहेंगे ओ यार मुझे तो ये यूज करना ही है। पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट टेस्ट ये, पपीता जब खत्म हो जाए, पपाया पपीता इसका सीजन नहीं हो तो फिर आप दूसरी रेमेडी कर लें, जब इसका सीजन हो तो फिर ये वाली रेमेडी करें। इसको पेस्ट बनाए, ठीक है, 5 मिनट तक सेट होने के लिए रखना है इसको, 5 मिनट तक सेटल होने के लिए इसको हमेशा रखना है। जो भी कोई आप बनाएंगे पेस्ट, उनको आपस में मिलने के लिए, उनकी मुलाकात करवाने के लिए, उनकी जो प्रॉपर्टीज है एक दूसरे में मर्ज हो जाए उसके लिए आपको इसको छोड़ना है थोड़ी सी टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए। ये बना के रखें, इसको कवर करें, फ्रिज में रख दें थोड़ी देर, जाएं अपना फेस वॉश करें, फेस वॉश के साथ मीडियम पानी से, दरमियाने पानी से, जिस वक्त आपने कोई मास्क लगाना है उस वक्त आपने पहले मीडियम या दरमियाना जो वार्म वाटर होता है, नॉट हॉट, मीडियम पानी से मुंह धोना है फेस वॉश के साथ। और उसके बाद आपने 5 मिनट, ये सेटल हो गई होगी, उसके बाद आपने इसको जो है ब्रश के साथ या फिर हाथ के साथ, हाथ बेस्ट, हाथ धोए, बाजू चढ़ाए ऐसे लें, उसके बाद इसको मसाज करें दोनों हाथों से लें। कोई पुरानी वाली शर्ट पहन ले या कुछ जो भी कुछ पहना आपने, कोई जो आपको एप्रन टाइप या कोई कवर अप वाली चीज, इतनी गर्दन तक आपका कवर हो जो कपड़े ना खराब हो, ये आप लें ऐसे दोनों हाथों में लें और इसका मसाज करें सारा, ठीक है, 5 मिनट तक आपने अच्छे से लें मसाज करना है। हो गया मसाज, उसके बाद जब मसाज हो जाएगा अच्छी तरह, उस जब अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर, उसके बाद मसाज करने के बाद आपने, मेरे मुंह पे मेरे बाल आए सारे, मसाज करने के बाद फिर मोटी एक तय जो है ना, ये देखें इसकी शक्ल ऐसी है, ये देखें, ठीक है, खाने को दिल कर रहा है, ऐसा लग रहा है कस्टर्ड है या पुडिंग है। अच्छा, आपने ना इसको लेके और फिर थपथपा के ऐसे लेप कर लेना, सारे लगाओ, यहां भी लगाओ, आंखों के इर्द गिर्द भी, ठीक है, गर्दन तक सारे अच्छे से लगाने के बाद, जो किसी और को देना है, किसी बेटी को, किसी सिस्टर को, अपने हस्बैंड को, भाई को, उनको भी लगवाएं, फीमेल मेल सबके लिए। लगाने के बाद हाथों पे लगाएं, अच्छे से मसाज करें यहां तक, ठीक है, लगा के आप 30 मिनट 40 मिनट तक इसको छोड़ें। फिर उसके बाद सादे पानी से मुंह धोएं, जिस वक्त आपने मुंह धोना है ऐसे सॉफ्ट स्किन, व्हाइट, एक दो शेड तो पक्का कम हो गए, जो कोई मसामों के अंदर कोई मैल वगैरह वो सारी निकली होगी, खूबसूरत तरीन बन जाना आपने एक दफा के इस्तेमाल से, ठीक है। ये आपने मसूर की दाल को ना ज्यादा सारी पीस के तो इसको फ्रिज में रख लो, यहां वहां से निकाली फ्रिज में, सारा रोज ना पीसने का झंझट। आलू का जूस उसी वक्त निकालो क्योंकि काला हो जाता है, देखो पहले अभी वीडियो बनाने में ये थोड़ा डार्क हो गया। पपीते को 1 चम्मच सिर्फ चाहिए, जो बाकी लेफ्ट ओवर होगा उसको मैश करो, अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड करो और उसकी क्यूब बना के रख लो। एक क्यूब निकाली, वहां से 2 चम्मच मसरों की दाल डाली, मसरों की दाल, मसूर की दाल ये डाली, 1 चम्मच आलू का डाला, खट्टा वाला दही 1 चम्मच डाला, आधी चम्मच ये डाली, पेस्ट बनाई, हर रोज लगाओ, 2 बार लगाना है 2 बार लगाओ, कोई इसका नुकसान नहीं है। ये हर्बल चीजें, ऑर्गेनिक चीजें, इसका कोई नुकसान नहीं है, जितना लगाना चाहिए। ये है, मसाज करते हो तो फिर थोड़े से आपके पोर्स जो थोड़े ओपन हो जाते हैं, क्लीन होते हैं, उसके बाद उसको बंद करना होता है। जब आपने फेस वॉश कर लिया सादे पानी से, फिर आपने क्या किया, गुलाब का अर्क बॉटल से मुंह पे स्प्रे करो, ठीक है, या फिर आप पानी की जो है वो आइस ट्रे जमा के रख लो, आइस क्यूब सारे फेस के ऊपर लगाओ, नहीं लगा सकते तो ठंडे पानी से मुंह धो के गुलाब का अर्क लगाओ, और उसके बाद अगर मॉइस्चराइजर लगाना है तो वो लगाओ, और अगर आपने ज्यादा आपके चाहिए तो दाम रोगन आलमंड ऑयल उसका मसाज किया करो, आंखों के पास भी और पूरे फेस पे भी, नेक पे भी अपवर्ड, ठीक है, वो किया करो। ये देखो, ये जितनी देर मैं बातें कर रही हूँ ये देखो कि ये
कितनी थीक हो गई है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये ज्यादा थीक है तो इसमें फिर थोड़ा सा योगर्ट और मिला लो, नहीं तो अगर ये बचा हुआ है तो ये दोबारा से मिला लो। बन गया, यूज कर लिया आपने, और फिर आपने हो जाना खूबसूरत प्यारे वाले। प्यारे तो आप पहले से ही हैं, लेकिन आपने और प्यारे हो जाना, ठीक है। इसको बनाएं, यूज करें, हर रोज लगाएं, हर चीज को टाइम देना है। 1 महीने का टाइम आपने मस्ट देना है। 1 महीने के बाद आप देखेंगे, बल्कि लगा आपको आहिस्ता 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 रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, लेकिन आपने डिसहार्ड नहीं होना, पेशेंस सब्र रखना है, ठीक है। दोबारा मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरी रेमेडीज को यूज करना। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करना। दोबारा मिलूंगी इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेमेडी के साथ। इसको यूज जरूर करना, मुझे आके जरूर बताना, ठीक है। और क्या कहना है, और कहना, पानी जरूर पीना और खुश रहना है, और सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक पक्का लगाना है, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तब लगाना है, मोबाइल यूज कर रहे हो तब लगाना है, हर रोज आपने सन ब्लॉक लगाना ही है। लिख के रख लो, लगाना ही है। चूल्हे के आगे जाना है तो लगाना ही है, ठीक है। चलें फिर, मैं फिर मिलती हूँ आपको किसी और अपनी अच्छी सी रेमेडी के साथ, जो मैंने यूज की है खुद से अपने पे, एवं इधर उधर फड़के नहीं। तो ये लगाना है और प्यारे से हो जाना है, टना। ओके चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लव यू ऑल। मेरी फैमिली हो आप, मुझे आप सबका बहुत ख्याल है, तो तुसी भी मेरा ख्याल करो, मैंने दुआओं से याद रखो, ठीक है ना। चलो जी फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। अगर आपको पंजाबी अच्छी लगती है तो फिर मुझे बताना, कमेंट करना, और वीडियो को देखना भी, एक दूसरे को भेजना भी, ठीक है। चलो जी, आपने कहा ना बड़ा बोलती है, वैसे मैं बोलती बड़ा हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं छोटी कर देती हूँ। अभी भी ये छोटी है, मेरा हाल 12-13 मिनट हो गए। चलो जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।